हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाजार की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को 2 किलोमीटर पैदल चला प्रशासन। उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं थाना अधिकारी में व्यापारियों से की समझाइश। उपखंड प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मारवाड़ जंक्शन कस्बे के मुख्य बाजार में लगने वाले जाम को लेकर अब दुकानदारों एवं ग्राहकों से समझाइश की। बुधवार सुबह ही उपखंड अधिकारी पुष्प कंवर सिसोदिया, तहसीलदार सुरेंद्र कुमार एवं थाना अधिकारी गोपाल बिशोई पैदल ही पुलिस थाने से मुख्य बाजार की ओर निकले, जहां इन अधिकारियों ने दुकानदारों एवं ग्राहकों से समझाइश कर अपना सामान बाहर नहीं रखने एवं ग्राहक व स्वयं की गाड़ियां निश्चित पार्किंग स्थल पर रखने को लेकर समझाइश की गई। यहां पुलिस थाने से आहुआ बस स्टैंड तक लगभग 2 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए प्रशासन के इन अधिकारियों ने हाथ ठेले वाले दुकानदारों एवं बाजार में खड़े वाहन चालकों से समझाइश के साथ कई वाहनों के चालान भी बनाए। उपखंड अधिकारी सिसोदिया ने कहा कि लगातार बाजार में लगने वाली जाम से आमजन परेशान है। लोग लापरवाही के चलते अपने वाहन आड़े तिरछे खड़े कर देते हैं, जिससे जाम लगता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से ये कार्य जारी रहेगा। इस मौके पर साई दर्शन सेवा संस्थान के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मीणा ने लाउडस्पीकर के माध्यम से आमजन को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने सामान बाहर नहीं रखने की बात कही। प्रशासन की ओर से हुई इस कार्यवाही से लोगों में अफरा तफरी मच गई। जागरूक टीम के लिए मारवाड़ जंक्शन से खास रिपोर्ट।